स्वागत है आपका आज के नए रेसिपी में। आज हम बनाने वाले हैं फिश लवर की जन्नत वाली रेसिपी, मतलब स्टफ पॉम्परेट। इस रेसिपी के लिए हमें इन चीजों की जरूरत है। मैंने फिश को काटकर उसे एक चम्मच नमक लगाकर 30 मिनट के लिए रखा और बाद में फिश को धो लिया। इससे फिश में नमक अंदर तक अच्छे से लगता है और एक्स्ट्रा नमक निकल जाता है। आज हम कोटिंग के लिए राइस को मिक्सर में पीस लेंगे। इस आटे से हमारी फिश फ्राइंग के बाद क्रिस्पी हो जाएगी। अभी हम स्टफिंग का मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मिक्सर में किसा हुआ नारियल, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, इमली, धनिया और नमक को बिना पानी के साथ पीस लेंगे। चलो अब हम फिश का मैरिनेशन बना लेते हैं। उसके लिए अदरक, लहसुन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नींबू के रस को मिक्सर में थोड़े से पानी के साथ पीस लेंगे। अभी एक कढ़ाई में तेल को गरम करके हमें स्टफिंग का मसाला हल्का भून लेना है। हम ये मसाला ऐसे भी स्टफ कर सकते हैं, लेकिन भूनने की वजह से इसका स्वाद डबल हो जाएगा। मसाले को स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी हम फिश को बनाए हुए मैरिनेशन से अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। फिश को कभी भी इस तरह अपोजिट साइड से ही मैरिनेट करते हुए आना है, क्योंकि फिश की स्किन इस साइड से रफ होती है, इससे फिश को मैरिनेशन अच्छे से पकड़ता है। इस मैरिनेशन को फिश के कट में और पॉकेट में भी अच्छे से लगा कर लेना है। पॉम्फ्रेट स्टफिंग के लिए पॉम्फ्रेट में ऊपर के साइड में पॉकेट बनाकर दूसरे साइड में 3 या 4 चीरे लगाने होते हैं। आप देख सकते हो मैंने फिश का पॉकेट कितना डीप कट कर लिया है। अगर आपको कट करने नहीं आता तो फिश सेलर से कट करवा ले। आप चाहो तो मैरिनेटेड फिश को आधे से 1 घंटे के लिए रख सकते हो। इससे मैरिनेशन में पड़े हुए मसालों का स्वाद फिश में अच्छे से पकड़ लेगा। अब हम फिश में स्टफिंग भर लेते हैं। आप देख सकते हो मैं किस तरह स्टफिंग कर रही हूँ। पॉकेट में स्टफिंग करने के बाद अब अपोजिट साइड के कट्स में भी थोड़ी सी स्टफिंग कर लेंगे। अब हम होममेड राइस फ्लावर से फिश को कोट कर लेंगे। अगर आप चाहो तो रेडीमेड आटा भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी सूजी मिलानी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे आपको हमारे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। फिश को फ्राई करने के लिए पैन में तेल को अच्छे से गर्म करके फिश को तेल में छोड़ेंगे। ज्यादा करके आप ऐसा डीप पैन ही यूज करें। फिश को मध्यम आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर फिश को पलट लेंगे। फिश को पलटते वक्त जरा सावधानी से पलटे, क्योंकि तेल उछलने का या फिर फिश टूटने का भी खतरा होता है। दूसरे साइड से 4-5 मिनट फ्राई करके वापस से फिश को पलटना है और वापस दोनों साइड से 3-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। और इस तरह से बनकर तैयार है हमारा सुपर टेस्टी स्टफ पॉम्परेट। अगर आप फिश लवर है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मेरी गारंटी है आप हमेशा इसे बनाकर खाना चाहोगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज, मतलब हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे नए रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए एंजॉय योर स्टफ पॉम्फ्रेट। बाय।